राहुल गांधी बाहर जाके हमारे लोकतंत्र के बारे में गलत बोलते हैं। राहुल गांधी बाहर जाके ये बोलते हैं कि मुझे पार्लियामेंट में बोलने, कौन सी बात हो गई कि राहुल गांधी ने अगर वहां जाकर बोल दिया इट इज अवर डेमोक्रेसी एंड वी हैव टू हैंडल दिस, इट इज नॉट वी हैव टू हैंडल दिस, गुंगी गुड़िया कहकर संबोधित किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और भाजपा ने। और सुनिए मेरी बात, और जब 1971-72 में जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे ना, तो उसी इंदिरा गांधी को दुर्गा माता का दर्जा दिया गया था। भाई मेरा युवा भाई है, इससे ये पूछे जब राजीव गांधी जी कंप्यूटराइजेशन और डिजिटलाइजेशन की बात करते थे तो बैलगाड़ी पर पहुंचकर भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद में पहुंचे थे या नहीं पहुंचे थे। कैसे देख रहे हैं यात्रा राहुल गांधी शुरू करने वाले हैं, इससे पहले भी यात्रा की और अब भी यात्रा, और ठीक चुनावों से पहले? देखिए मैं अपना अगर एज अ यंग, देखो इंडिया में यूथ का जो है मेन आवाज उठनी चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन अगर इसमें मैं बात करूं, अगर मैं राहुल गांधी जी के विपक्ष के बारे में बात करूं, तो मेरे हिसाब से अभी जो राहुल गांधी जो पहले करते आ रहे हैं अभी भी करते आ रहे हैं मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। एज अपने मैं अगर पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो इस समय बीजेपी काफ़ी अच्छा कर रही है, चाहे 2014 से पहले का भी हम रिकॉर्ड देखें और अभी का भी रिकॉर्ड देखें, डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है काफ़ी चीज़ों में, अभी चाहे वो G20 सम्मेलन भी क्यों ना हो भारत ने करवाया है। भारत एक अभी एक ऐसा कंट्री बन चुका है जहाँ पे पहले कभी नहीं हुआ G20, इस G20 का अभी भारत में हो चुका है कभी, आप बताइए। अभी राहुल गांधी को और तपने की जरूरत है, देखिए कह रहे हैं कि संघर्ष करना चाहिए, 2024 में नहीं डाल कर पाए, 24 में राहुल गांधी का कोई भी दिखाई नहीं देता है हमें। क्या बोल रहे G20 तो जिसका नंबर आता तब होता है, वन बाय वन होता है। राहुल गांधी की जब ये बीजेपी के पांच काम गिना दे, सुनिए आप क्या जानते हैं, आप सुनिए पहले मेरी बात, आप देखो मुद्दों पर आ जाते हैं। बीजेपी के आप यूथ हैं, आप कह रहे हैं आपने काम ज्यादा देखा, पांच काम हम गिन लेते हैं फिर आप गिनवाएंगे पांच काम पुरानी सरकार। सर देखो आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इन चीजों में, 2014 से पहले की लाइफ हमने देख रखी है, हमने सिर्फ किताबों में देखे, आप सुनिए मेरी बात। देखिए आप बोल रहे कांग्रेस ने ऐसा क्या करा, कांग्रेस ने देखिए कुछ भी नहीं करा, चाहे वो इमरजेंसी से लेकर हो, चाहे वो सिख राइट्स से, कुछ भी नहीं करा, ठीक है। मैं देखो सुनिए ये पता है कि इमरजेंसी लगी क्यों, मैं आप युवा हो, इमरजेंसी में बता रहा हूँ क्यों लगी, मैं बता रहा हूँ आप इमरजेंसी के बारे में सुनिए ना मेरे से, आराम से हाथ नहीं पकड़ेगा भैया, आप सुनिएगा, मैं मुद्दों पर बात कर रही हूँ कि 5 साल में युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, हर क्षेत्र में कितना ओवरऑल बीजेपी ने ही काम करा है। आप चाहे सुनने बोलने तो दीजिए, चाहे आप थोड़ा इंतजार सुनिए, ओवरऑल बीजेपी ने काम करा है, चाहे किसी भी लेवल में क्यों ना हो, चाहे वो G20 लेवल में भी क्यों ना हो, चाहे किसी भी लेवल में हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम में भी क्यों ना हो, एजुकेशन सिस्टम में मैं बता रहा हूँ एजुकेशन, अरे आप बताने एजुकेशन, हाँ मैं गिनवा रहा हूँ, सुनिए हमेशा से हम एज ए NCERT किताब में हमेशा से हम गलत हिस्ट्री के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, सुनिए मैं बता रहा हूँ, मैं बिन डरे बता रहा हूँ कि हम अलग से हमेशा से पढ़ते हैं NCERT में कि किसने क्या करा क्या करा, यहाँ पे बीजेपी आने का बात नहीं है, मेरा मुद्दा इमरजेंसी नहीं है, मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप कह रहे हैं यूथ है, मैं पूछना चाह रही हूँ 5 सालों में क्या काम हो गए, कौन सी बड़ी योजनाएं सामने आ गई, किस किस के लिए बता दो, आप नहीं बता, ठीक है बीजेपी सुनिए आप सारी काम गिनवा रहे हैं, आराम से सुनिएगा, बीच में नहीं टोकना, बीजेपी ने चाहे कोई भी काम, चाहे जन औषधि वाला भी क्यों ना, जन औषधि वाला इसमें शामिल होगा कि नहीं होगा, मेडिकल फील्ड में उन्होंने हेल्प करा है, एजुकेशनल फील्ड में आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, एजुकेशनल फील्ड में की बात सुन रहे होते थे, सुनिए मैं बता रहा हूँ आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, आप एजुकेशनल फील्ड में बोल रहे हैं, एजुकेशनल फील्ड में न्यूज एजुकेशन पॉलिसी आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 2014 से पहले वन पार्टी डोमिनेशन के बारे में हमेशा से पढ़ते आए, ठीक है, और बीजेपी आने के बाद ये चीज आप बोल रहे हो कि एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़े पिलर ही वही है, और आप बोल रहे हो कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ हुआ, उसका फायदा बताइए आप, अच्छा कौन करेगा फिर इस काम को, नहीं नहीं फायदा तो बताइए, मुझे आप ये बताइए इस काम को कौन करेगा, फायदा बताइए, भारत सुनो मैं बताऊँ आपको, सबसे पहले पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत का नाम, भाई साहब नाम लेने से हमें 5 किलो राशन मिल गया, नाम नहीं 5 किलो राशन मिल गया नाम लेने से, बात हो गई, एक बार जस्टिस फॉर 81 करोड़ लोगों को आज भुखमरा बना दिया, 5 करोड़ राशन पे जिंदा है, ये ध्यान रखिए आप, इससे पहले कभी हम लोग लाइन में नहीं लगे, आज जनता लाइन में लगी हुई है 5 किलो के लिए, केवल सिलेंडर के लिए लाइन पे लगते थे ना, क्यों
सिलेंडर के लिए लाइन पर लगता है सिलेंडर, 11:30 दिख रहा है, 5 किलो दिख रहा है। मोदी राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने वाली है, चर्चा वही चल रही है। राहुल गांधी की यात्रा से कितना फायदा होने वाला है? कोई फायदा नहीं होने वाला है। समझदार लोग वोट करेंगे। हमारा देश सुरक्षित हाथों में है और पूरे विश्व में इनके सुरक्षित हाथों का जवाब ले लीजिए। चीन ने जो हमारी हजारों किलोमीटर जमीन पे कब्जा कर रखा है, किसके आपके जमाने में? संसद सुरक्षा चौक पर क्या कहेंगे? रुकिएगा सर, आ रहे हो भाई ऐसे नहीं। संसद सुरक्षा चौक मामले पर आप क्या कहेंगे? संसद सुरक्षा चौक मामले पर आपकी राय? जो वहाँ पर जो सांसद होते हैं ना, उन सांसदों के साथ कोई भी व्यक्ति जा सकता है। वो जो गया है ना, वो कोई वो सांसद कौन था जिसने विजिटर पास इशू करा? भाजपा का सांसद है, इतना बड़ा क्षेत्र है, कोई भी जा सकता है कैसे भी, ये कोई चूक नहीं है। संसद के अंदर कोई भी जा सकता है सर, ऐसा कह रहे हैं। बहरहाल सर आप बता दीजिएगा, एक तरफ राहुल गांधी यात्रा करने वाले हैं और दूसरी तरफ 2024 का चुनाव भी है, क्या देश सुरक्षित हाथों में है? क्या राहुल गांधी की यात्रा कुछ कर पाएगी या फिर से बीजेपी सरकार? ये मेहनत के ऊपर डिपेंड है, मेहनत के ऊपर है। घर घर जाकर घर घर पहुंचना पड़ेगा, खाली गाड़ी लेके रोड पे घूमने से कुछ नहीं हो, घर घर पहुंचना पड़ेगा तभी कामयाबी मिलेगी। लेकिन पहले भी गए थे यात्रा, तो पहले भी किया, अलग अलग लोगों से मिले, क्या उसका कोई असर हुआ? क्या इस यात्रा का असर होगा 24 पे? अभी तो आने वाला समय बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। अब मौजूदा सरकार कैसी है? सही है, ये तो चीटिंग ही चीटिंग दिख रही है। क्या वादे पे वादे, चीटिंग पे चीटिंग। आप कह रहे चीटिंग पर चीटिंग, यानी कि वादा खिलाफी हुई? बस वादा खिलाफी। ऐसा क्यों सर? कई वादे थे जो पूरे कर दिए, बीजेपी सरकार गिनवा रही है। कोई वादा पूरा नहीं है, कोई भी वादा कहीं भी कहीं से कहीं तक पूरा है। चीटिंग पर चीटिंग, उधर वो लोग कह रहे थे कुछ कि सुरक्षित हाथों में देश है। अब ये धार्मिक लोग हैं, राजनीतिक धार्मिक नहीं होती कहीं पर भी, एक तरफा राजनीति कहीं किसी देश में नहीं होती। सभी लोग रहते हैं, सभी कास्ट के लोग रहते हैं, लेकिन एक तरफा राजनीति नहीं होती कहीं पर भी। धार्मिक राजनीति इस वक्त की जा रही है, ये धार्मिक राजनीति के बल पर ही वोट चाह रहे हैं और यही सब कुछ चल रहा है यहाँ। धर्म से जुड़ी है, जब धर्म की बात कर रहे हैं आप, तो क्या राम मंदिर पर जो आस्था का विषय है उस पर भी राजनीति की जा रही है, उसको भी भुनाया जा रहा है चुनावों के लिए? उसके ऊपर व्यापार कर रहे हैं ये लोग, राम मंदिर मंदिर के ऊपर व्यापार कर रहे हैं, ये राम के ऊपर व्यापार कर रहे हैं, राम के ऊपर व्यापार कर रहे हैं वोट पाने के लिए, वोट कर रहे हैं। राम मंदिर को जो आस्था का विषय उसको भी भुना रही है बीजेपी, ऐसा लोगों का कहना? नहीं ऐसा नहीं है, राम मंदिर एक साधारण मुद्दा नहीं है, हम सब जानते हैं, कई सालों से कोई सॉल्व नहीं कर पाया, बीजेपी आती है सॉल्व कर देती है। और सिर्फ ये लोग बोल रहे हैं कि राम मंदिर या मंदिर, आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कितना हुआ है, ये कांग्रेस भी मानती है। आस्था का मुद्दा है वो या फिर राजनीतिक मुद्दा? आस्था का मुद्दा है, जाहिर तौर पे आस्था का मुद्दा है। पॉलिटिकल इवेंट क्यों बनाया जा रहा है? पॉलिटिकल इवेंट कहाँ से है, आप एक्सप्लेन कीजिए एक बार, पॉलिटिकल इवेंट कैसे? बार बार कहा जा रहा है कि तारीख भी बता दी और राम मंदिर भी बनकर तैयार है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, नारा दिया गया। और अभी तो कहा जा रहा है कि असली दीपावली आने वाली है, यानी कि 2024 में भी राम के सहारे अब वोट पाने की कोशिश में बीजेपी, इस तरीके की चर्चाएं चल रही है। सिर्फ अगर धर्म के विषय पे वोट पाना होता तो ऐसे नहीं होता है। आप डेवलपमेंट अगर देखना चाहेंगे तो रोड भी बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होते जा रहा है, आपका डिजिटलाइजेशन 2015 के पहले जो कांग्रेस सरकार ये कहती थी कि डिजिटल पेमेंट हम लोग नहीं ले सकते हैं, वो कांग्रेस सरकार खुद ही डिजिटल पेमेंट ले रही है, वो खुद ही विरोध किसने किया, जरा पूछिए इनसे। ये भाई मेरा युवा भाई है, इससे ये पूछे, जब राजीव गांधी जी कंप्यूटराइजेशन और डिजिटलाइजेशन की बात करते थे तो बैलगाड़ी पर पहुंचकर भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद में पहुंचे थे या नहीं पहुंचे थे? चीजों को एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा टाइम दीजिएगा। तो राहुल गांधी क्यों फेलियर है मैं बताता हूँ, लोकसभा में जाते हैं एक शब्द वो नहीं बोल पाते हैं, और वहीं अमित शाह के भाषा का चयन देखे या फिर किसी बीजेपी लीडर्स के भाषा का चयन देखे तो जो लोग अच्छा बोलते भी हैं जनता को इन्फ्लुएंस करते हैं। लीडर बनने की पहली क्वालिटी होती है कि स्पीच अच्छा दे, राहुल गांधी से वही नहीं हो पाता है, तो फिर आप क्या कर पाएंगे, वो उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस बात को मैं काउंटर करने के बाद, अगर भाई मेरे बोल रहे हैं कि भाषा का चयन अच्छा होना चाहिए और शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए, तो मेरे भाई
1984 से पहले जब इंदिरा गांधी की सरकार थी ना, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उनको गुंगी गुड़िया कहकर इंदिरा गांधी जी को संबोधित किया था, और वही गुंगी गुड़िया थी जिसने 1972 में पाकिस्तान के दो टुकड़े कर माने थे। आप मेरी बात सुनिए, अभी आप यार फिर वही वाली बात है, आप बात किस चीज पे कर रहे हैं? या तो आप एक मुद्दे पर रह लीजिए, आप एक मुद्दे पर रह लीजिए। आप शब्दों के चयन के ऊपर बात कर रहे हैं तो मैं शब्दों के चयन पर आपको जवाब देता हूँ ना। गुंगी गुड़िया कहकर संबोधित किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और भाजपा ने, और सुनिए मेरी बात। और जब 1971-72 में जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे ना, तो उसी इंदिरा गांधी को दुर्गा माता का दर्जा दिया गया था। आप सुनिए मेरी बात। और ये भी अभी भाई क्या कह रहे हैं, राम मंदिर का बीजेपी से कोई मतलब नहीं है या पॉलिटिकल उससे नहीं है, राम मंदिर अब बीजेपी की सरकार में सुलझ गया। राम मंदिर, अरे सुनिए मेरी बात, वकील किसने खड़े करवाए थे? सबने खड़े करवाए थे। आप सुनिए, राम मंदिर के बाद, राम मंदिर से पहले बीजेपी का उदय कैसे हुआ था? रथ यात्रा निकालने के बाद बीजेपी का उदय हुआ ना, वरना तो दो सीटों पर सिमट कर रह गई थी ना बीजेपी। कि इस बार भी यात्रा से 2024 का पलट के रख देंगे चुनाव के। चुनाव पलटना और ना पलटना वो जनता के हित में है और जनता के पास है। जनता कहाँ जाकर लास्ट मोमेंट पे वोट करती है, वो जनता के पास है। गुंगी बुढ़िया वाला, जो गुंगी बुढ़िया वाले जो केस निकाला, इनको खुद ही नहीं पता कि कांग्रेस के अंदर के बंदों ने ही, कांग्रेस के अंदर के बंदों ने इंदिरा गांधी को ये बोला था। आपको मैं बता दूं, मैं बता रहा हूँ सुनिए, कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हुई थी, जिसमें कांग्रेस के जो सिंडिकेट मेंबर्स थे उन्होंने इंदिरा गांधी को ये बोला था कि वो गुंगी बुढ़िया थे, क्योंकि वो इंदिरा गांधी को लाना चाहते थे। सिंडिकेट जो था उस टाइम में 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था कांग्रेस, ये जाके पढ़ना आपकी। राहुल गांधी भी क्या रहे सर, सुनिएगा इसी बात पे मैं कह रहा हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी के कुछ सांसद कुछ नेता उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि बीजेपी के अंदर ऊपर से आदेश आते हैं। अरे सुनिए, आप कुछ भी मन मर्जी नहीं होता, सब कुछ आला कमान फैसला करता एक, है। एक चीज मैं इनसे एक और ऐड करना चाहता हूँ, इन्होंने बोला कि राहुल गांधी का कम्युनिकेशन का जो भी है, देखिए राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिन्होंने अभी बाहर जाकर, देखिए कोई भी अपोजिशन पार्टी, मैं किसी अपोजिशन पार्टी के खिलाफ में नहीं हूँ, बल्कि अपोजिशन पार्टी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वो गलतियां निकालती है, लेकिन हमारे भारत में अपोजिशन पार्टी कैसी है? राहुल गांधी लीडर है, राहुल गांधी बाहर जाके हमारे लोकतंत्र के बारे में गलत बोलते हैं, राहुल गांधी बाहर जाके ये बोलते हैं कि मुझे पार्लियामेंट में बोलने, कौन सी बात हो गई कि राहुल गांधी ने अगर वहां जाकर बोल दिया इट इज अवर डेमोक्रेसी एंड वी हैव टू हैंडल दिस, इट इज नॉट, वी हैव टू हैंडल दिस, इन डेमोक्रेसी वी हैव अ राइट टू स्पीक अबाउट एनीथिंग, नो ऑब्वियसली इन डेमोक्रेसी दिया जा रहा है विपक्षी नेताओं को, क्या सवाल करने दिया जा रहा है? नहीं बोल रहे विपक्षी का बात क्या है, विपक्षी का काम ही यही की गलती गिनाना। हमारे कांग्रेस के गिनाने के बाद आप उनको सस्पेंड कर देते हैं ना, उनके घर ईडी सीबीआई छेड़ दिया, कौन कर रहा है, क्यों नहीं करा कांग्रेस, जहाँ कांग्रेस नहीं, जहाँ कांग्रेस 150 सांसद आपने बाहर कर दिए और आप कह रहे कौन सस्पेंड कर रहा है, किस चीज के पीछे रीजन था बताइए मुझे। अगर पार्लियामेंट में, छोटी छोटी सी टिप्पणी आप लोगों की, अगर पार्लियामेंट में अपोजिशन से ये पूछा जाता है, अपोजिशन ये पूछता है अमित शाह जी से कि इस आदमी, ये आदमी कैसे घुस आ गए, और उनसे कुछ सुरक्षा के मुद्दे पे सवाल कर दिया जाता है, तो 150 के 150 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, फिर कौन से विपक्ष की ये मेरे भाई बात कर रहे हैं, कौन सा विपक्ष मजबूत होगा इससे? 150 के 150 सांसदों, धन्यवाद। देखिए समय बहुत ज्यादा हो चुका है, चर्चा लंबी जा रही है, लेकिन बहरहाल हमारा मुद्दा था कि आखिर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब न्याय यात्रा का फैसला कर लिया, जल्दी जनता के बीच जाएंगे, लेकिन इस यात्रा का कितना फायदा 2024 में इंडिया लाइन्स को मिलने वाला है, क्या बीजेपी के मन में भय पैदा होगा, या फिर बीजेपी पीएम मोदी की गारंटी इस बार भी कमाल कर जाएगी, यानी कि बीजेपी सत्ता में आ जाएगी? फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।